Let us begin today's first lecture on solutions. तो आप स्कूल च भी बेटा उस दिन शुरुआत की थी इस चैप्टर की हमने समझाया सी कि सोल्यूशन की होंगे सोल्यूशन के किन्ने कंपोनेंट्स बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं सोल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन याद है और अज आप डिटेल च थोड़ा जा होर पढ़ांगे तुसी उस दिन डिफाइन किया सी ए होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ विच कैन बी चेंज्ड विद इन सर्टेन लिमिट्स इज कॉल्ड सोल्यूशन एंड सोल्यूशन नू बाइनरी कदों बोलते हैं व्हेन देयर आर ओनली टू कंपोनेंट्स ठीक है एंड व्हेन देयर आर टू कंपोनेंट्स The one of the components is called solute and other is called solvent. Solute kinu bolde hai jehda amount ch ghat hai jehdi matra ghat hai aur jehdi matra jyada hai onnu ki bolde hai solvent and class ch main tuhanu ek problem vi put kiti si ki je dono di matra same hoye fir kinu kahange solute kinu kahange solvent tusi oh samajh gaye si to oh vi gal dhyan ch rakhni hai then we learned that depending upon physical state of solvent and solute there are nine types of solutions theek hai nine types apa discuss kar rahe si to first tinna de vich jehda solvent hai oh gas hi hai to solution di physical state bhi gaseous hoegi these are also called gas solutions second jehda part hai tinne solvent liquid hai to eh dekhan ch liquid hi hoega it is a liquid solution these three are liquid solutions and next three the solvent is solid so all these are solid solutions and you know most important property of a solution is concentration solution the both important property hai concentration means ki kinna solute kinna solvent samjhe jis tarah aap jada pani peene ha drinking water ड्रिंकिंग वाटर बिल्कुल प्योर होए तो वो अपने लिए हेल्दी नहीं है बिल्कुल प्योर पानी सानू हेल्दी नहीं बना सकता सानू बीमार कर देता है पानी विच फ्लोराइड आयन्स चाहिए है पानी विच क्लोराइड आयन चाहिए है होर कुछ आयन्स होंदे है मिनरल्स होंदे है जिहड़े वाटर नू अपनी सेहत ठीक रखने विच हेल्प करदे है ठीक है जिस तरह फ्लोराइड आयन्स है फ्लोराइड आयन्स की कंसंट्रेशन वाटर के अंदर 1 ppm तो लैके 1.5 ppm के विचकार होनी चाहिए जे 1 ppm तो घट होंगी है तो दंद वीक हो जाते हैं हड्डियाँ कमजोर हो जाती है 1.5 तो ज़्यादा होंगी है तो भी वह हड्डियाँ खोर दिया दंदा खोर दिता तो कंसनट्रेशन ही सच एंड इंपॉर्टेंट हम आप घर खाना खाने दाल च लून माड़ा ज़्यादा पै जाए या माड़ा जहा घट हो जाए तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है ना सो कंसंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस एंड देयर आर मेनी मेथड्स एक्चुअली देयर आर 9 मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन कल आप परसों क्लास च डिस्कस किया सी कंसंट्रेशन दे 3 मेथड्स ओए तुसी न्यूमेरिकल भी करे सी फर्स्ट मेथड तुसी देख रहे हो मास परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू मास ऑफ कंपोनेंट ग्राम्स विच होएगा या किलोग्राम च होएगा अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम या किलोग्राम इनटू 100 10^2 ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया और जो भी आएगा वो सॉल्यूशन दा मास परसेंट एंड तो दस्या सी कि इस मेथड नू कदों यूज करते हैं जदों सॉल्यूशन दे दोनों कंपोनेंट्स सॉलिड है क्योंकि तो सॉलिड्स दा मास मेजर करना सॉलिड नू तोलना कंफर्टेबल होंगे बाकी प्रॉपर्टीज तो then volume percentage volume of component upon total volume of solution into 100 ek kadon use karange jadon solution de dono component liquids hai kyunki liquids da volume determine karna practically measure karna comfortable hai then ek method si third mass by volume percentage w/v which is also called strength ठीक है ये यूज कदों करीदा जदों एक कंपोनेंट सॉलिड होए
दूसरा कंपोनेंट लिक्विड है और दोनों नु मिला के जो सोल्यूशन बनया है वो लिक्विड है, मतलब सोलवेंट लिक्विड है ते सोल्यूट सॉलिड है। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट जो सॉलिड कंपोनेंट है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100। ठीक है, तो इस सोल्यूशन दी आ जाएगी स्ट्रेंथ या नु कहंदे है मास वॉल्यूम वेट वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है भाई, तो ये तीनों मेथड्स अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। नाउ नेक्स्ट मेथड इज पार्ट्स पर मिलियन, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड पीपीएम। मिलियन का मतलब होंदा बेटा 10^6। ठीक है, तो इन्हां उपर वाले तीनों मेथड्स विच ही जे आपां इत्थे 10^2 यानी 100 दे प्लेस ते 10^6 कर लीए तो ये तीनों मेथड ही बन गए पीपीएम। यह बन गया मास पीपीएम, मास परसेंटेज दी बजाए पर मिलियन, यह बन गया वॉल्यूम पर मिलियन, यह बन गया मास वॉल्यूम पर मिलियन। हुण क्वेश्चन ये राइज होंदा है कि 100 दे प्लेस ते 10^6 क्यों करना पिया, की लोड है दी? एदी लोड है इन केस ऑफ बिग सॉल्यूशंस, जो कोई सॉल्यूशन वड्डा हो जाता है तो फिर असी परसेंटेज नाल नहीं सरदा, फिर सानू वड्डी गल करनी पैंदी है। फॉर एग्जाम्पल जिवें एयर दी पोल्यूशन। ठीक है, मान लो असी ये कैलकुलेट करते पाए हाँ कि अपने फिरोजपुर दी एयर च कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन किन्ना है, तो एयर का सैंपल लैके असी जो हम रिपोर्ट करांगे वो 10^6 करांगे। या जिवें सपोज करो कोई लेक है, हरी के पत्तन की लेक है, असी पता करना है कि उस लेक का पानी ह्यूमन बीइंग्स दे पीन लई फिट है कि नहीं, इज इट फिट फॉर कंजम्पशन और नो। तो फिट वो ता ही होएगा जे उहदे च फ्लोराइड आयंस 1 ppm 1 parts per million होंगे या 1.5 तो वध ना होंगे, 1 to 1.5 दे विचकार है, देन इट इज फिट फॉर कंजम्पशन। तो मान लो साड़ी ये प्रॉब्लम है, असी की कीता, असी उस लेक तो सैंपल ले आए वाटर का। ठीक है, सपोज असी 1 liter वाटर एक बोतल च भर के ले आए तो वॉल्यूम कितना हो गया, क्योंकि जो वाटर है हुण सोल्यूशन है ना भाई, तो सोल्यूशन का मतलब और इस इंप्योरिटी है, प्योर तो है नहीं हो बिल्कुल, तो वह सोल्यूशन है, असी 1 liter वाटर ले आंदा है, उस वाटर का वॉल्यूम हो गया 1000 milliliter या तुसी कह लो 1 liter। और असी उन्हों लैब च एनालाइज किया, जो एनालाइज किया तो देखिया कि उस वाटर च जिहड़ी इंप्योरिटी है ना, जिहड़ा फलोराइड आयन है, वह फलोराइड आयन और मान लो जी फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन है और अमाउंट है मास है वो सपोज कर लो 10^-3 मिलीग्राम है mg। ठीक है, और बोतल च पानी किन्ना है अपने कोल 1 liter 1 liter। ठीक है, हुण असी इहनू ppm च रिपोर्ट करना है, एक कॉमन मैन नू समझ नहीं आएगा, आपां तां समझ गए कि 1 liter च 10^-3 मिलीग्राम फ्लोराइड है, लेकिन आपां इहनू ppm च रिपोर्ट करांगे तां हर बंदे नू समझ आ जाएगा, कॉमन मैन नू भी समझ आ जाएगा। वो किवें करांगे, पहला आपां मिलीग्राम नू कन्वर्ट करदे हां ग्राम च, 10^-3 मिलीग्राम है, एक मिली च किन्ने ग्राम होंगे है 10^-3, तो 10^-3 करता तो यह बन गया ग्राम अपॉन लीटर नू कन्वर्ट कर लिए मिली लीटर च, लीटर हैज 1000 milliliter इंटू कर दिए 10^6। जो आप सोल्व करांगे तो देखो 3 powers उपर माइनस दियाँ, 3 आ भी माइनस दियाँ, माइनस दियाँ 6 हो गई, ए प्लस दियाँ 6 है, सारिया कैंसल हो गई, बचिया की 1/1000 यानी कि 10^-3 यानी कि 0.0
0.01 ppm, 0.001 ppm. उस वाटर च फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन 0.001 ppm है और रिकमेंडेड वैल्यू कितनी है 1 ppm तो लेके 1.5 के विचकार। इहदा मतलब दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर कंजम्पशन। जे इहनूं पीण दे लायक बनाना है तो इहदे च फ्लोराइड आयन्स नूं ऐड करना पड़ेगा, है ना भाई। तो इस तरह असीं जिहड़ी एटमोसफेरिक पोल्यूशन है, किसी लेक की पोल्यूशन है, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ppm ਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਰਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ 100 ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਈਏ ਮਿਲੀਅਨ, ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਨੇ 10 ਲੱਖ, 10^6, ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ppm। ਬੋਲੋ, ਸਮਝ ਆਇਆ? ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ, ਯੈਸ ਨੋ? ਯੈਸ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਕੋਈ? ਚਲੀਏ ਅੱਗੇ ਫਿਰ। चलो ठीक है। नेक्स्ट मैथड नंबर फिफ्थ, फर्स्ट सीगा मास परसेंट, सैकेंड सीगा वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड मास वॉल्यूम यानी स्ट्रेंथ, फोर्थ अपा कर लिया ppm। नाउ फिफ्थ मैथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इज मोल फ्रैक्शन। एनू कैपिटल एक्स नाल शो कर दिया। देखो एक्स लिखे ना, एक्स ए एक्स बी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन का की मतलब होंगे? पहली गल तो मोल, मोल मतलब नंबर ऑफ मोल किसी चीज़ के, तुम्हें पता है एक मोल चीज़ कितनी होंगी है, जिन्ना उसका ग्राम एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास। और फ्रैक्शन का की मतलब होंगे? फ्रैक्शन मैंने हिस्सा, पार्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, आप किसी कंपोनेंट के जो मोल्स कैलकुलेट करने हो तो किवें करांगे? गिवन मास ऑफ कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का मास अपॉन ओदा मोलर मास। जे मान लो मेरे को 18 ग्राम पानी है, 18 ग्राम वाटर है, और मैं कोई पूछता है कि ये किन्ने मोल है, तो मैं की करांगा? मेरे को वाटर का गिवन मास किन्ना है 18 ग्राम अपॉन वाटर का मोलर मास किन्ना है 18, 18 बाय 18 सोल्व करके आ गया 1, यार मतलब वो वाटर 1 मोल है, 18 ग्राम पानी 1 मोल। 36 ग्राम पानी होएगा था 36 अपॉन 18 2 मोल। जे को मैं कहे कि 5 मोल वाटर चाहिए तो जिन्ना वाटर का मोलर मास है इंटू 5, 18 इंटू 5 90, 90 ग्राम पानी 5 मोल हो जाए। तुहानू पता है गल, प्लस 1 की गल है सिंपल जी, कि गिवन मास अपॉन मोलर मास इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल। स्मॉल एन आप नंबर ऑफ मोल वास्ते यूज करते पे, स्मॉल डबल्यू गिवन मास हो गया, कैपिटल एम चीज का मोलर मास हो गया जिंद भी गल हो रही है। क्लीयर? अच्छा, हूँ सोल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स है, दो कंपोनेंट है तो बाइनरी सोल्यूशन, एक ए है एक बी है। हूँ कंपोनेंट ए का सोल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन किन्ना होएगा? जिन्ने ओदे नंबर ऑफ मोल है, एने मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आल कंपोनेंट्स। जे दो कंपोनेंट है, दोवां दा सम 3 है, तिन्नां दा सम 4 है, जिन्ने भी हैं उन्नियां दा सम। ठीक है भाई, सपोज सोल्यूशन बाइनरी है, दो ही कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट दे मोल एन ए है, बी कंपोनेंट दे मोल एन बी है। तो एक्स ए, ए दा मोल फ्रैक्शन किन्ना होया? ए दे मोल अपॉन दोनों दे मोल दा सम। और बी का फ्रैक्शन कितना होया? बी दे मोल अपॉन दोनों दे मोल दा सम। ठीक है, और एक गल याद रखना कि दोनों कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन मिलके बन जाता है हमेशा 1, यूनिटी। दोनों फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मैंने हिस्सा, जे हिस्सों नूं जोड़ दिए तो चीज सारी हो जाएगी ना। जे मैं कहां भाई आ एक मकान है, एह्दे च अद्धा हिस्सा मेरा है, अद्धा हिस्सा मेरे दोस्त है, तो दो अद्धे अद्धे मिला के कितना बन जाएगा पूरा? जे मैं कहां 25% मेरा है, 75% ओदा है, तो दोनों का सम की होएगा? फिर 1। तो फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। अपन कई जगह पर न्यूमेरिकल्स च ये गल कम आएगी। हूँ देखो अपन न्यूमेरिकल कहो जहा आएगा, सारे जो नोटबुक हैगी है
एक स्टेटमेंट लिख भी सकते हो मेरे नाल नाल, नहीं हैगी तो कोई नहीं वैसे ही सुन लो। सपोज अपन कोई न्यूमेरिकल आ गया, वो कहता कि ए सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, सपोज करो 50 ग्राम की चीज लीजिए, सपोज वाटर, एंड 50 ग्राम CO2 गैस टूगैदर, ठीक है। एक सोल्यूशन बना लिया, 50 ग्राम पानी, 50 ग्राम CO2 गैस, प्रेशर हाई करके जिमें भी करके खोल लिया। आप वाटर नू ए मान लें, गिवन मास ऑफ ए हो गया, CO2 नू बी मान लें, गिवन मास ऑफ बी हो गया। और अपन पूछता पे है कि दसो वाटर का मोल फ्रैक्शन किन्ना है, CO2 गैस का मोल फ्रैक्शन किन्ना, ठीक है भाई। हम देखो 50 ग्राम वाटर है, 50 ग्राम CO2 है, लेकिन 50 ग्राम तो उन्हें मास है ना। जे अपन कहता मास फ्रैक्शन कटो, फिर आप करते 50 ग्राम वाटर अपॉन 50 प्लस 50 100 है ना, वो तो फिर हो जाना सीगा 1/2, यानी कि 0.5 वाटर है, अद्धा वाटर है, तो अद्धा की है CO2 है, ठीक है। वो तो 0.5, लेकिन वो की आएगा उन्होंने मास फ्रैक्शन, मास अद्धा अद्धा है, 50-50 टोटल 100, लेकिन वो अपन कह रहे हैं उन्होंने मोल फ्रैक्शन, समझते पे हो गल। तो पहले अपन वाटर दे भी मोल करने पैणगे और CO2 दे भी मोल करने पैणगे। और मोल किस तरह कढ़ी दे है तुहानू पता है बच्चों, किस तरह कढ़ी दे है कि वाटर का आप लवेंगे मोलर मास, वाटर का कितना मोलर मास है 50 ग्राम गिवन मास अपॉन 18 ग्राम वाटर का की आ गया मोलर मास। जे एनु सॉल्व कर लिए तो ए की आ जाएगा Na, यानी कि वाटर के नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली 50 ग्राम CO2 का मास है गिवन अपॉन 44 ग्राम की हो गया CO2 का मोलर मास। एक करोगे सॉल्व तो इस CO2 गैस का नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। जरा करो खरा फटाफट, मैंने दसो सॉल्व करके किन्ना किन्ना आया, 50/18 किया तो किन्ना आया 50/44, सी का मास 12 सी, ओ का मास 16 सी, दो ओ है, 12 + 16 + 16 44, तो CO2 गैस का मोलर मास 44 होंगे, तो वाटर का मोलर मास 18 होंगे। फटाफट सोल्व करो, 50/18 कि बनया, 50/44 कि बनया, 50/18 का आ गया, मैं किया उन्हें सोल्व कैलकुलेटर से 2.77। ये आ गया 2.77, ठीक है। और 50/44 जे करिए तो ये आ गया 1.13, दिस इज 1.13, ठीक है। तो एन ए आ गया, एन बी आ गया। हुन तुहानू पता है फार्मूला की है कि एक्स ए इज इक्वल टू एन ए 2.77 अपॉन दोवां दा सम 2.77 प्लस 1.13। सिमिलरली एक्स बी इज इक्वल टू 1.13 अपॉन दोवां दा सम, ठीक है। एनू सॉल्व करना, देखना आंसर आ जाएगा। और दोवां जिहड़ा सम है ना, वो जो सम करोगे तो वह किन्ना बनना चाहिए है 1, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, ठीक है भाई। तो इन्हें सॉल्व करोगे, बोलो यस के नो। बोलो बेटा, किता किसी ने सॉल्व? सर 1.13।
पहले तो आ गया 1.13, दोनों का सम कितना आया 2.77 प्लस 1.13 2.17 आया पहले ना सर नहीं यस सर अच्छा दोनों का सम 1.17 नहीं बेटा 2.77 प्लस 1.13 दोनों का सम क्यों कितना है 7 दिन तो 10 होंगे 3.90 हाँ ये नवनीत बोली है नवनीत है यस सर आज लेट आई है बेटा टाइम पे आया करो तो 3.90 आया सम दोनों का हूं करो 2.77 अपॉन 3.90 हूं आएगा आंसर देखो कितना आता 2.77 अपॉन 2.17 हाँ 2.77 अपॉन कितना 3.90 कितना आया बेटा कितना बोल रही 2.17 बेटा मैंने हल्ले भी तेरी गल पसंद नहीं आई क्यों क्योंकि ऊपर हैगी है रकम छोटी थल्ले रहेगी रकम वड्डी तो 2 पॉइंट कैसे आ सकता है सियाने बनो बेटा जी चाह चू पी के बैठा करो तो जो ऊपर 2.7 है थल्ले 3.9 है तो जो भी आएगा वो 1 तो छोटा ही आएगा ना तो कितना आया फिर 0 पॉइंट बोलो 0.71 ठीक है दूजा भी कटो हम ये आ गया 0.71 ठीक है दूजा आपा कीता 1.13 अपॉन 3.90 इज इक्वल टू किन्ना आएगा हुन ए भी ऊपर छोटा थल्ले वड्डा 0 पॉइंट ही आएगा करो फटाफट बोलो अगे भी कुछ होगा आप छोड़ दें 0.28 हम जरा देखो ध्यान एक्स ए आ गया 0.71 एक्स बी आ गया 0.28 जे आप दोनों का सम करिए कितना बनूगा भला 0.99 यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 है ना यार मतलब अपना आंसर ठीक आ गया क्योंकि सारे फ्रैक्शंस का सम मिलके की बनना चाहिए 1 लगभग 1 बन गया 0.99 मतलब 1 नहीं आ गया ठीक है हुन इहदे नाल दे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਡਰਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਿਊ ਕੋਰਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਲਵ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੇਪੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋ ਸਰ चलो नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉरी नेक्स्ट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज कॉल्ड मोलैरिटी ठीक है पहला केड़ा सीगा मास परसेंटेज दूसरा सी वॉल्यूम परसेंटेज तीसरा मास वॉल्यूम आल्सो कॉल्ड स्ट्रेंथ चौथा हो गया पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन पंजवा हो गया मोल फ्रैक्शन नाउ सिक्स मेथड इज मोलैरिटी ये अपन 11th क्लास भी बहुत यूज की थी प्रैक्टिकल भी बहुत ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੋ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਵਟ ਇਜ਼ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਪਰ ਲੀਟਰ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ 1 ਲੀਟਰ ਚ ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲਸ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੂਗਰ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਕਰੋਸ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ C12H22O11
जी मैं कहूँ जी ये चीनी दा सुक्रोस दा पानी च सोल्यूशन है और ये 1 मोलर सोल्यूशन है, इहदा मतलब कि 1 लीटर सोल्यूशन च चीनी किन्नी है 1 मोल। जे मैं कहूँ जी यह नमक दा सोडियम क्लोराइड दा 1 मोलर पानी च एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस मैंने पानी, तो इहदा मतलब है कि 1 लीटर जे सोल्यूशन दा लिया जाए तो उहदे च नमक किन्ना होएगा 1 मोल। ठीक है, जे मैं कहां 2 मोलर है तो किन्ना होएगा 2 मोल, 3 मोलर है 3 मोल, 0.5 मोलर है 0.5 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है भाई, तो जो फार्मूला बनाई गया तो की बनया, कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी इज इक्वल टू स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल सोल्यूट दे अपॉन वॉल्यूम सोल्यूशन दा, क्योंकि लैब च वॉल्यूम मिली लीटर विच ही होंदा है और यूनो 1 लीटर च होंगे 1000 मिली लीटर, तो अपन मल्टीप्लाई करना पाएगा एनू कादे नाल 1000, इतने एक 0 मिट गई मैंने लगता, तो तुसी 1000 लेना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करता आप 1000 नाल मल्टीप्लाई क्यों किया समझ गए ना, क्योंकि 1 लीटर सोल्यूशन लेना है और लैब च अपन लेने वॉल्यूम मिली च, so that is why we have to multiply it with the 1000 to convert it into liters. Aur solute the number of moles je apnu numerical ch solute the number of moles nahi dete hai, apnu solute da mass deta hai. Tonu pata hai ki number of mole kive calculate karide hai, given mass of solute upon molar mass of solute, ethe rab ho gaya, ethe apan nu dobara likh denne ha, to W of solute upon capital M of solute. W हो गया solute the given mass, capital M हो गया solute the molar mass. और जे मान लो किसी नो molar mass, sorry, हम जे तो F ऐ चीज जो put करांगे ऊपर वाले formula चे molarity चे, तो formula की बन गया molarity दा, molarity is equal to given mass of solute upon molar mass of solute into 1000 over volume of solution in milliliter. Hun suppose karo je kise numerical ch ohne volume aap hi liter ch deta, fir tuhanu eh 1000 into karan di lod nahi hegi, hai na, eh ta common sense di gall hai, eh tusi aap hi samajh jao. तो की समझे, व्हाट इज मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल किवें कढ़ी रहे है, गिवन मास ओवर मोलर मास सोल्यूट दा, और गिवन मास ओवर मोलर मास करके इनटू 1000 ओवर सोल्यूट दा वॉल्यूम मिलीलीटर च। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ एनी सोल्यूशन। चलो हम एक न्यूमेरिकल करते हैं ट्राई, सारे लिखो स्टेटमेंट, लिख लो, लिख के फिर पढ़ो, समय लग जाएगी। स्टेटमेंट अपन बनाने हैं कि ए सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, ए सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.29 ग्राम ऑफ ग्लूकोस, ग्लूकोस इन 60 ml सॉल्यूशन, 60 ml solution. Find molarity of solution. ठीक है भाई, तो तुम स्टेटमेंट लिखी, तुम याद होगी, मैंने तो भूल पाल गई। तो मास, गिवन मास ग्लूकोस का, W ऑफ ग्लूकोस कितना लिखाया मैं, 0.29 ग्राम, दस इना गलत होया था। ठीक है, होर की लिखाया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एक नल खाया 60 मिलीलीटर, और कैलकुलेट की करना है आप
मोलैरिटी हम अपन पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का मोलर मास होंगे 180। जिन्हें बच्चे को नहीं पता वह हूँ याद कर लो क्योंकि तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होंगे। तो कार्बन का मास होंगे 12, 12 इंटू 6 किया। एच का मास होंगे 1, 1 इंटू 12 किया। ओ का मास होंगे 16, 16 इंटू 6 किया। ठीक है, 12 इंटू 6 72 प्लस 1 टू 12 12 हो गया प्लस 16 6 तो पता 96 होंगे। तो यह सारा कुछ आ गया 180। तो ग्लूकोज दे एक मोल का मास 180 ग्राम है, तो ग्लूकोज का मोलर मास 180 है। ठीक है, तो हूँ आप सारिया चीजा इतने फिल कर दें और उस सोल्यूशन के आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर लें। किए करा एम इज इक्वल टू 0.29 अपॉन 180 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम किन्ना है 60। एनू सोल्व करोगे, सोल्व करके जो भी आएगा ओने एम, बट शर्त यह है कि एम कैपिटल। ए सोल्यूशन की बन जाएगी मोलैरिटी। बोलो करो सोल्व तो देखिए कि आता। करते पाए हो बेटा? खींचा किसे ने? सर 0.16। यस मे बी, चेक कर लो अपने आप ही। अप्रोक्सीमेटली मेरा ख्याल है शायद ठीक लगता पे। चलो कोई नहीं, दो तीन जने मिलके गल जो दो दिन ठीक आ गया तो ठीक ही है। नेक्स्ट टर्म कर दिया बेटा। नेक्स्ट टर्म इज मोलैलिटी। मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। देखो स्मॉल एम लिखे ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल एम का केमिस्ट्री मतलब होंगे मोलैलिटी और स्मॉल एम का मतलब होंगे मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी की होंगी है जिस तरह मोलैलिटी की सी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलैलिटी होंगी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखो लिखा है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर ऐसे पर मिट गया PER पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, हम देखो सॉल्वेंट ते सॉल्यूट च की फर्क है तुहानू पता है ना। मोलैरिटी च आपां सॉल्यूशन लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैरिटी च आपां गल करदे पए आ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम। मास है, लीटर वॉल्यूम है, किलोग्राम मास है, ध्यान रखना। और ए सोलवेंट है, सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ते सोलवेंट चो वड्डा कौन हुंदा है, ज्यादा कौन हुंदा है? सोल्यूशन। क्योंकि सोल्यूशन च दो चीजा है, सोलवेंट भी सोल्यूट भी। सोल्यूशन चो सोल्यूट माइनस कर दिए तो बाकी की बचे सोलवेंट। तो यह हम तुम ध्यान नाल दिमाग च इनू आइडेंटिफाई कर लो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। फार्मूला बनया मोलैलिटी इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। हम मास ग्राम च लवेंगे आप और किलोग्राम च 1000 ग्राम होंगे है, इतने भी अपन इंटू 1000 करना पे। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल किवें कैलकुलेट करीदे है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, बिल्कुल ओवें सेम टू सेम। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो एच वैल्यू पुट करांगे तो ये सॉल्यूशन की आ जाएगी मोलैलिटी।
ठीक है, लिखो एक न्यूमेरिकल, लिखो स्टेटमेंट सारे, देखो ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट एंड 25 ग्राम वाटर। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो एक चीज 5 ग्राम है, एक चीज कितने ग्राम है, 30, बोलो कितने ग्राम है, भूल गया, 25 है, तो सोल्यूट कौन हुई जी 5 है, तो CaCO3 सोल्यूट है, CO का मास हो गया 5 ग्राम, ठीक है, और इसका मोलर मास कितना होया, कैल्शियम का मास तुहानू याद होएगा आप पढ़िया सी प्लस वन च 40, कार्बन का मास तुहानू हुणे दस्सिया 12, एक O का मास तुहानू पता है 16 है, 16 × 3 कर दिए, ठीक है, तो 40 + 12 + 48 किन्ना आ गया है, 100 आ गया, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास हो गया 100 ग्राम कर देने, ठीक है, तो जिहड़ा वाटर है वाटर सोलवेंट का मास किन्ना है 25 ग्राम, यार मतलब जिहड़ा सोल्यूशन है सोल्यूशन का मास किन्ना हो गया 5 + 25 किन्ना आ जाऊगा 30 ग्राम। तो हुण जे आपां इस फार्मूले च फिट करिए वैल्यूज मोलैलिटी करनी है तो फार्मूला की कहिंदा कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास किन्ना है 5 ग्राम, मोलर मास किन्ना है उहदा 100 × 1000 तां लगाना ही है किलोग्राम कन्वर्ट करन लई, ते सोलवेंट का मास किन्ना है, सोलवेंट का मास किन्ना है 30, है ना, तेन जो हल करांगे सोल्व करांगे आ 2 जीरो गई, आ 1 जीरो भी गई, 5 ग्राम, 5 क्यों थले 3 भी तो है, 25 ग्राम सोलवेंट नंबर, हाँ जी सॉरी हाँ आप गलत कर लिया, ठीक है यू आर राइट, यही तो गल सी सोचने वाली, तो इतने आप मास सोल्यूशन का नहीं लेना, कि लेना है सोलवेंट का, मोलैलिटी च सोल्यूशन का, मोलैलिटी च सोलवेंट का, तो अपना आंसर फिर की आऊगा 2 जीरो गई तो उपर आ गया 50, थले आ गया 25, कट के किन्ना आ गया 2, तो 2 small m, 2 molar आंसर, बोलो इन्ना ही एक बार फिर चेक कर लो, 5 ग्राम सोल्यूट का मास 100 ओदा मोलर मास हो गया, ते 1000 / 25 करता, देखो 2 ही आंदा है, यस सर, चलो ठीक है, यस सर, तो इस हाँ तो बेटा ए सीगा दिस मेथड, किन्ने मेथड हो गए हुन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, देन आ गया पीपीएम, देन आ गया मोल फ्रैक्शन, देन मोलैरिटी, देन मोलैलिटी, 7 मेथड्स हो गए, तुहाडी एनसीईआरटी बुक च 7 ही है, तुहानू दस्सिया सी क्लास च, 2 मेथड्स आपां होर करने हैं नॉर्मैलिटी और फॉर्मैलिटी, बट वो आपां अज नहीं करने, वो आपां पहला इन्हां दे न्यूमेरिकल्स खूब सारे करके बुक्स दे प्रॉब्लम्स करके फिर करांगे, ठीक है, हुण देखो कुछ न्यूमेरिकल अपना थोड़ी बुक दे होर ट्राई करते हैं, जिम्मे देखो आ एक न्यूमेरिकल है, सबनों विजिबल है स्टेटमेंट 2.1, बोलो सबनों नजर आ रही है बेटा, यस सर, तो ये लिखे है स्टेटमेंट च कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इफ 22 ग्राम बेंजीन इज डिजोल्व इन 122 ग्राम कार्बन टैट्राक्लोराइड, तुहाडी एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल है, वो कहना कि 22 ग्राम लई उन्हें बेंजीन उन्हें डिजोल्व करता 122 ग्राम CCl4 च, मास परसेंटेज कटो, वेरी सिंपल,
बेंजीन दी किन्नी होएगी बेंजीन दा मास अपॉन दोवां दा सम इनटू 100 ते ओदी किन्नी होएगी ओदा मास अपॉन दोवां दा सम इनटू 100 कर लेना कर लोगे ना एवी देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है मोल फ्रैक्शन दा कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड ये थोड़ा समझने वाला वो कहिंदा कि बेंजीन दा मोल फ्रैक्शन करना है एक सॉल्यूशन च सॉल्यूशन दी की हैगी है कंपोजिशन कि सॉल्यूशन च 30% बाय मास बेंजीन है CCl4 च बाय मास अर मतलब कि जे 30 ग्राम बेंजीन होए ता टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया परसेंट मैंने 100 टोटल 100 हो गया ते दूसरा फिर कितना हो गया 100 चो माइनस कर दियो 70 तो ये आप अपने दिमाग नाल कीते है निकल उन्हें क्या सी 30% बाय मास बेंजीन है कर मतलब दूसरी चीज फिर 100 चो 30 माइनस करके आ गई हुन आप करना वाला मोल फ्रैक्शन ओन तुहानू पता ही है कि ओ किवें कढ़ांगे जिहदा मोल फ्रैक्शन करना है ओहदे मोल अपॉन दोनों दे मोल दा सम हुन बेंजीन दे मोल किवें कढ़ांगे बेंजीन दा मास 30 ग्राम अपॉन बेंजीन दा मोलर मास बेंजीन दा मोलर मास कितना बनेगा याद है किसे नो बेंजीन दा फार्मूला होंदा है C6H6 ठीक है C दा मास 12 12 into 6 H दा मास 1 1 into 6 72 प्लस 6 कितना आ गया 78 तो बेंजीन दा मास 78 मोलर मास लेके ए बन गया 30/78 नीचे बन गया 30/78 प्लस 70 बाय CCl4 दा मोलर मास CCl4 दा मोलर मास कितना बनेगा वो भी कर लेने हैं तो CCl4 दा मोलर मास बन गया सीधा हो गया 12 Cl दा होता है 35.5 इनटू 4 कर दियो तो 12 प्लस ये बन गया 142 मेरा ख्याल चेक कर लेना बेटा 154 बन गया ठीक है CCl4 दा मास बन गया तो 30/78 अपॉन 30/78 प्लस 70/154 एंड सॉल्व करोगे ए थोड़े को बेंजीन दा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा तो ए भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा बोलो करोगे बाद विच बोलो कर सकते हो यस सर ठीक है ए बॉयज बिल्कुल नहीं बोलता बॉयज बैठे बेटा तुसी भी बोलिया करो चलो 2.3 न्यूमेरिकल देखो हां बोलिया करो बेटा 2.3 न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस ए पार्ट है 30 ग्राम CONO3 ट्वाइस है इनटू 6 वाटर है पूरा दा फार्मूला है विच सारे सब दा मास जोड़ कर लेना है ठीक है वॉल्यूम हो गया 4.3 लीटर है ए ए पार्ट है न्यूमेरिकल दा मतलब दो न्यूमेरिकल है दूसरा है 30 ml 0.5 ml दिस है एनो डाइल्यूट कीता है 5 ml ठीक है तो ध्यान नाल रकम स्टेटमेंट समझो समझ के एनु हल करने दी कोशिश करो क्योंकि जे सारे मैं कराई जावांगा फिर तुहानू वाल नहीं आना ठीक है डाउट आणगे ना फिर मैं समझाऊंगा फिर जाने वाला आएगा अच्छा कि देखो आ न्यूमेरिकल सॉल्व कीता होया 2.4 कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 केजी ऑफ 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन हुन उन्हें मोलैरिटी आप देती कि सॉल्यूशन दी मोलैरिटी इतनी होए ते मास किन्नो होवे 2.5 किलोग्राम ते दसो जो यूरिया किन्नी चाहिदी है मतलब फार्मूला वही है मोलैरिटी पता है मोलर मास पता है ते गिवन मास सॉल्यूट दा स्मॉल एम कढ़ना है ठीक है ये भी सॉल्व कीता पया है समझो इनू फिर ये नाल दे थल्ले अनसोल्ड विच आणगे वो भी आपां करांगे ठीक है अच्छा ये बाद एक दिखवा न्यूमेरिकल सॉल्व कीता पया है कैलकुलेट नंबर ए मोलैरिटी नंबर बी मोलैरिटी नंबर सी मोल फ्रैक्शन तीन चीजा कैलकुलेट करनी है किरिया के आई इफ डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास यानी कि मास परसेंटेज सॉल्यूशन है ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਐਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 20% ਮਾਸ ਬਾਏ ਮਾਸ ਹੈ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਲਿਊਟ ਕੇ ਆਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ 100 ਗ੍ਰਾਮ, ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 80 ਗ੍ਰਾਮ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ 1.202। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਲਿਊਮ, ਵਾਲਿਊਮ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਸ ਓਵਰ ਵਾਲਿਊਮ। ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵਾਲਿਊਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਲਿਊਮ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਸ ਓਵਰ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਲਿਊਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਊਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵਾਲਿਊਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੋਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੇ ਦਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 39 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਈ ਦਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿਸਮ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ, ਉਹ 'ਚ ਸਭ ਦੇ ਮਾਸ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 53, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਸ 100 ਸਮਥਿੰਗ ਬਣੂਗਾ, ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ 6, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, 6 ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਡਰਨ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ, ਬੋਲੋ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਆਪਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਨੋਟਬੁੱਕ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਚ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਹੈ ਈਵਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ, ਪਲੱਸ ਟੂ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ 5:15 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5:30 ਵਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਾਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਬੋਲੋ 5:30 ਕਲਾਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੱਲ੍ਹ, ਬੋਆਇਜ਼ ਬੋਆਇਜ਼ ਬੋਲੋ ਵੀ ਕੋਈ,